पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने दावा किया है कि मांगों को लेकर उनका धरना जारी है। कल EDMC ने दावा किया था कि सफाई कर्मचारियों की सभी यूनियनों ने धरना वापस ले लिया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दावा किया था कि 1800 मीट्रिक टन को सड़कों से हटाया जा चुका है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में गेम पार्लर की आड़ में ऑनलाइन कसीनो चलाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 2500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि कृष्णा नगर इलाके में एक बच्चों का गेम पार्लर है, लेकिन वहां बड़े लोगों की भीड़ होती है। पुलिस कांस्टेबल ग्राहक बनकर पार्लर में गया तो पूरा मामला साफ हुआ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने सड़क पर पड़े डॉलर और नई इंडियन करेंसी से भरा पर्स मालिक जगप्रीत तक वापस पहुंचाया। जगप्रीत ने जब इनाम के तौर पर सब इंस्पेक्टर को 5000 रुपए देने चाहे तो उसने अपने पर्स का हवाला देते हुए मना कर दिया। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने पिछले साल दिसंबर में सस्पेंड किए गए 9 छात्रों को अगले सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन की छूट दे दी है। हालांकि JNU छात्र संघ ने इसके सस्पेंशन के विरोध में बुलाई गई 2 दिन की स्ट्राइक को रद्द करने से इनकार कर दिया है। JNU छात्र संघ ने इन सभी छात्रों को सस्पेंड करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। इन सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी के कामकाज में बाधा डालने के आरोप में सस्पेंड किया गया था। दिल्ली सरकार के कई फैसलों की वजह से CM अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। ये दावा दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने किया है। नजीब जंग ने कहा कि शुंगलू कमेटी की जांच रिपोर्ट में उन तमाम फैसलों का जिक्र है जो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। BJP और कांग्रेस लगातार शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। महाराष्ट्र की एक अदालत ने एक मामले में चार्जशीट दायर होने के 48 घंटे के अंदर फैसला सुना दिया। फैसला राजगुरुनगर की उप जिला अदालत ने सुनाया है। एक लड़की ने अतुल पाटिल नाम के लड़के के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज करने का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने चार्जशीट दायर होने के 48 घंटे के अंदर अतुल पाटिल को 2 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 1 महीने की कैद और काटनी होगी। चुनाव आयोग ने BMC समेत राज्य की 10 महानगर पालिका, 26 जिला परिषदों और 296 पंचायतों के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। BMC पुणे और ठाणे समेत सभी 10 महानगर पालिका के चुनाव 21 फरवरी को होंगे। 26 जिला परिषदों के चुनाव 2 चरणों में 16 और 21 फरवरी को होंगे। वोटों की गिनती एक साथ 23 फरवरी को होगी। BMC चुनाव में गठबंधन को लेकर शिवसेना और BJP के बीच बातचीत शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार BJP 50-50 का बंटवारा चाहती है। हालांकि शिवसेना इस फॉर्मूले को लेकर सहमत नहीं है। गठबंधन पर समझौता हो गया तो इसका ऐलान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करेंगे। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे ने BMC चुनावों के मद्देनजर कहा कि उनकी पार्टी ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपना स्टैंड नहीं बदला है। राज ठाकरे का कहना है कि उनकी पार्टी अभी भी उत्तर भारतीयों के लगातार मुंबई में आने के खिलाफ है और वो चाहती है कि नौकरियां बाहरी लोगों की जगह मुंबई के लोगों को मिले। मुंबई गोवा हाईवे पर पनवेल के पास एक ऑटो कार करीब 25 फीट गहरे कुएं में गिर गई। बताया जा रहा है कि कार से नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला।